नमस्कार, अरुणभूमि न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मोतोमिमी लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट से इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोपमेन हायर सेकेंडरी रोइंग के ऑडिटोरियम रूम पे। यहाँ आज पांच प्राण ऑफ अमृतकाल जो थीम है इसके अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र के द्वारा यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल युवा उत्सव का कार्यक्रम रख रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कई सारे बच्चे, अलग अलग स्कूल के जो बच्चे हैं कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए आए हुए हैं। बहुत सारे कल्चरल इवेंट भी रखा गया है, तो आइए देखिए आज का ये रिपोर्ट। जी बहुत अच्छा लगा मुझे आने में। जब मैं सोचा था सिर्फ एक स्पीच देके चला जाऊंगा क्योंकि संडे है, हॉलीडे है, पर जब बच्चों से मिला था मुझे लगा कि ये एक वंडरफुल एक्सपीरियंस हो सकता है। तो बच्चों के साथ मैं इंटरेक्ट किया था, हर स्कूल का बच्चों के साथ, तो मुझे अच्छा लगा था। और बच्चे पूछ रहे थे कि कल्चरल इवेंट देख के चले जाइए आप, तो मैं रुक गया पूरा एंड तक। और अच्छा हुआ कि मैं रुक गया क्योंकि जो कल्चर मैंने देख सका, इदुमिश्मी का, आदि का, मणिपुरी डांस था, राजस्थानी डांस था, और तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी जब मैं रोइंग से चला जाऊंगा अभी ये इवेंट मुझे याद रहेगा। इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव जो हम यही रखा था कि युवा पीढ़ी को हमारा जो 15 से 29 वाला जो यूथ है तो उसको एक प्लेटफॉर्म देना है। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड स्पोर्ट्स के अंदर जो एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है नेहरू युवा केंद्र, ऑल ओवर इंडिया में ये प्रोग्राम करवा रहा है। तो ये यूथ लोगों के लिए हम एक प्लेटफॉर्म लेके आए कि उन लोगों का खुद का जो टैलेंट है उसको दिखा के। हमारा जो एक मोटो है ये प्रोग्राम का, युवा जो भागीदारी बनना है, यूथ लोग मीन्स इन्वॉल्व होना है देश को आगे लेके जाने के लिए। पांच प्राण को फॉलो करके 2047 को हमारा जो इंडिया को विश्व गुरु बनाना है, उसमें वो लोग कैसे भाग ले सकते हैं, उसका विजन कैसे हमारे साथ दिखा सकते हैं, उसको एक प्लेटफॉर्म दिया है। तो वही देने का हमारा ये पर्पज़ था ये प्रोग्राम में। और मैं सोचता हूँ ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा क्योंकि बहुत अच्छे से पार्टिसिपेंट लोग पार्टिसिपेट किया है, इतना ही बोलना है। सबसे पहले तो अरुण भूमि, दूरदर्शन न्यूज़ और दिबांग न्यूज़ को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को महत्वपूर्ण समझा और आके ये आज डे इवेंट को अपने मीडिया कवरेज दिया। सबसे पहले तो हमने ये कल्पना भी नहीं किया था कि इतने सारे स्कूल से बच्चे पार्टिसिपेंट आएंगे, तो मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि हर स्कूल से, लगभग हर प्रिंसिपल ने कोऑर्डिनेट किया हमें, हर स्कूल से कल्चरल इवेंट, बोलिए आप फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन, लिटरेरी कॉम्पिटिशन और आपका जो भी ड्राइंग एंड पेंटिंग कॉम्पिटिशन था, सभी में पार्टिसिपेंट आए। मैं उन्हीं प्रिंसिपल को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो समय समय में हमें कोऑर्डिनेट करते हैं। और मैं अपने डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर श्री मोहित राबा जी को भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमें समय समय में मार्गदर्शन दिया। और जितना भी यूथ रिलेटेड एक्टिविटी है, सर ने हमको हमेशा गाइडेंस दिया, कोऑपरेट किया और ऐसे प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। सर का और जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट आए थे, चीफ गेस्ट सर और जितने भी गेस्ट ऑफ ऑनर, प्रिंसिपल मैडम यहाँ के, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। उन लोगों के बिना ये सब कार्यक्रम पॉसिबल नहीं था। धन्यवाद। यह संस्था ने इसे लाया है, मैं देख रही हूँ ये बहुत ही
महत्वपूर्ण है आपकी जिंदगी जिंदगी के लिए, युवाओं के लिए, जो यूथ है उनके लिए। क्योंकि आज के दौर में हम अगर सारा तरह भी देखें तो कहीं ना कहीं बच्चे भटके हुए हैं, यूथ भटके हुए हैं। दे आर डाइवर्टेड फ्रॉम द मेन रूट दे आर वॉकिंग। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि ये बहुत एक फ्रूटफुल होना चाहिए, जहाँ बच्चे ड्रग्स में एडिक्टेड हैं, जहाँ बच्चे इमोरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ बच्चे हमारे बच्चे मोबाइल से एडिक्टेड हैं। ऐसे दौर में हमारे लिए ये ऑर्गेनाइज करना बहुत ही ज़्यादा मायने मुझे तो दिखता है। इस दौर पर जब हमारी दुनिया जो है हमारी उंगलियों पर नाचते हैं, बच्चे नशा सकते हैं उंगलियों पर, एक उंगली दब गई और सारी दुनिया पर इसकी खबर लग गई। ऐसे एज, इस टेक्नोलॉजी के एज में हमारे बच्चे बदल रहे हैं। जब हमें बोर्ड की खबर लेना चाहिए, बच्चे गलत खबर ले रहे हैं मोबाइल से। बच्चे रात रात पर जाकर आप अपना गेम खेल रहे हैं, आप रात में सोना भूल जाते हो, आप सुबह जागना भूल जाते हो, आप स्कूल के रास्ते भूल जाते हो, भटक जाते हो। ऐसे में ये प्रॉब्लम जो है, इस तरह सारे ये प्रॉब्लम जो हमारे स्कूल में स्पेशली इसको आज ऑर्गेनाइज किया, मैं तहे दिल से ऑर्गेनाइजर को थैंक्स देती हूँ। बच्चों से हमेशा यही कहती हूँ, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, इसीलिए बच्चों से हमेशा कहती हूँ कि आप अपने जीवन को एक मैसेज बनाइए, एक अच्छा मैसेज बनाइए। आपका जीवन ही एक मैसेज हो, देखने वाले आपके आसपास के लोग उस मैसेज को पढ़े, आपके शहर में पढ़े, आपके चाल चलन में पढ़े, आपके व्यवहार में पढ़े। ज्यादा कुछ न करते हुए कहते हुए आज के आप सभी पार्टिसिपेंट्स जो है, मुझे पता है कि हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। मैं असेंबली में भी हमेशा कहती हूँ हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, चाहे वो खेल कूद में हो, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज में हो, चाहे वो गलत काम में भी हो, बहुत ज़्यादा टैलेंट है। लेकिन इसके ऊपर भी आपको एक काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका एकेडमिक कैरियर। जब भी मैं युवाओं को देखता हूँ तो मेरा बदन भी एक जोश से भर जाता है और हर्ष से भर जाता है, क्योंकि मुझे जितनी भी युवा दिखाई देते हैं उनमें मुझे हमारे देश का भविष्य दिखाई देता है। मैं हर जगह कहीं भी युवा का प्रोग्राम में जाता हूँ, जहाँ पे युवाओं का कार्यक्रम होता है, मैं यही कहता हूँ कि आज की युवा हमारे कल के देश के भविष्य है, हमारे लोअर दिबांग वैली के भविष्य है, हमारे प्रदेश अरुणाचल प्रदेश के भविष्य है। क्योंकि हमारे युवा वर्ग अगर भटक जाए, गलत रास्ते पे चले जाए, आतंकवादी संगठन पे चले जाए, चोरी डकैती करे, ड्रग्स की सेवन पे चले जाए, मदिरेपान की सेवन पे चले जाए, तो हमारे आने वाले जनरेशन बहुत ही अंधकार में चला जाता है। इसलिए युवाओं से यही निवेदन है कि आप अपने मकसद की तरफ ध्यान से काम करें और मेहनत करें, अच्छी से पढ़ाई करें, अथवा इस तरह के को करिकुलर एक्टिविटीज जो आप आज कर रहे हैं, जो नेहरू युवा संगठन ने आप लोगों को एक मौका दिया है, इस तरह का कार्यक्रम में भाग लें और अपने जितने भी अपने अंदर के जो पोटेंशियल है उसको समाज को दिखाए, देश को दिखाए और राज्य को दिखाए कि हम में भी कुछ कला है। तो ये सब दिखाने का मौका आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो इस तरह के कार्यक्रम में आपको खुल के भाग लेना चाहिए।